ये मेरे पास दो माइक देख पा रहे हो, एक है 2500 का एंड एक है 800 रुपए का। एंड ये दोनों आपको वायरलेस माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, जो कि ये मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। ग्रेनारो का लगभग ये मुझे यूज करते हुए 2 साल हो गया, जो कि उसी माइक से भी वीडियो शूट हो रहा है। एंड ये काफी अच्छा आउटपुट निकल कर आ जाता है। लेकिन रिसेंटली मैंने परचेज किया है ये लैबराइडर कंपनी का सिंगल चैनल वायरलेस माइक, जिसका फुल अनबॉक्सिंग वीडियो चैनल पर ऑलरेडी छोड़ा हुआ, जाके आप चेकआउट कर ले। सारे कुछ मैंने उसमें डिटेल्स में आपको बताया है, इसका रेंज टेस्ट वगैरह सब कुछ मैंने किया है। एंड आज की इस वीडियो में मैं लैबराइडर एंड ये ग्रेनारो का कंपैरिजन करने वाला हूं। एक्चुअली ये कंपैरिजन लाइक है नहीं, एक है 2500 का, एक है 800 का, लेकिन ये माइक टक्कर देने वाला माइक है। मतलब इसका मैंने आउटपुट सुना, इसका मैंने साउंड सुना, काफी खतरनाक लगा। बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है। एक एक करके सारी चीज जानते हैं, क्या दोनों में डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो, यूट्यूब के लिए कुछ बढ़िया सा माइक आप देखना चाह रहे हो, वीडियो शूट के लिए कुछ बढ़िया सा माइक चाह रहे हो, तो क्या ये 800 वाला माइक आपके लिए बेस्ट रहेगा? तो जरूर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। एंड उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, किस तरह का ऑसम वीडियो मैं इस चैनल पे लाते रहता हूं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय और स्वागत है आपका टीवी के एक और नए फ्रेश वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल ओवरव्यू का। तो ये माइक देखो, थोड़ा बड़ा आता बट ये माइक बिल्कुल छोटा सा, मतलब कंफर्टेबल है, हाथ में बिल्कुल आ जाएगा, पॉकेट में भी कहीं डाल के ले जाओगे तो बिल्कुल आसानी से ये डल जाएगा। इस टाइप का इसके अंदर सिंगल चैनल रहता है, इसका डुअल चैनल भी आता है, जो कि 1500 रुपए का प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। एंड इस टाइप का कुछ लैबराइडर का ब्रांड आपको टाइप सी मिल जाता है, दोनों ये भी टाइप सी है। एंड अगर हम लोग ग्रेनारो वाला देखें तो इसका भी टाइप सी है, जो कि ऑलरेडी रिसीवर लगा हुआ है मोबाइल पे जिससे शूट हो रहा है। एंड इस टाइप का कुछ इसका डुअल माइक मैंने दिया था, इसलिए 2500 पड़ा था। इसका अगर आप सिंगल चैनल लोगे ना तो 1800-1900 करीब में वो देखने को मिल जाएगा, फिर भी रेट में काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। इस टाइप का देखो दोनों का कुछ आपको माइक देखने को मिल जाता है। एंड और एक चीज देखा आपने, जैसे मैं कैसे बाहर निकालोगे क्या होगा, डायरेक्ट लाइट जलना स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। इसमें एक बटन दिया, जब तक आप इसको प्रेस करके नहीं रहोगे तब तक ये पेयरिंग मोड पे नहीं आएगा। अभी देखो पेयरिंग मोड पे आ चुका है, पेयर भी हो चुका है, क्योंकि इसका रिसीवर ऑलरेडी लगा हुआ है मोबाइल। एंड इसका जो लैबराइडर का ना ये बॉक्स, मुझे कुछ प्रीमियम टाइप का फील आ रहा है, बहुत अच्छा बॉक्स लग रहा है। मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब जब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ ना, उस वीडियो में मैंने बताया जिसमें इसका अनबॉक्सिंग किया था, काफी सही लग रहा है। ये बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्लस इसका हेवी वेट है, वेट भी है, लेकिन इसका वेट बिल्कुल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ इसके अंदर माइक वगैरह रखा हुआ है। बाकी दोनों का अगर बात करें हम लोग कंपार्टमेंट का, इस टाइप का कुछ दोनों का सेम कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है आपको, एक रिसीवर वगैरह रहेगा, माइक रहेगा। ये अगर डुअल चैनल रहता तो उसमें भी सेम आपको इस टाइप का देखने को मिल जाता है। सामने यहाँ भी ग्रेनारो का यहाँ पर ब्रांड मिल जाता है, लैबराइडर का ब्रांड मिल जाता है। जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पर आप देखो टाइप सी का दोनों का चार्जर मिल जाता है, लेकिन ग्रेनारो वाला में जो है ना यहीं पर आपको एक लाइट मिल जाता है, जो कि जैसे आप चार्ज में डालोगे ये लाइट यहाँ पर जलना शुरू होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लाइट ये आपको फ्रंट में मिल जाता है, इस जगह पर लाइट दिया हुआ है, जैसे चार्ज में डालोगे यहाँ पर लाइट जलना शुरू होगा। अगर बात करो बैक में तो बैक में कुछ भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल स्टेप का दिया हुआ है। ये स्टेप का इतना खुलता है, ये आधा खुलता है, लेकिन ये अच्छा खुल रहा है, ये लग रहा है जहाँ ज्यादा ये ओपन हो रहा है। अब अगर बात करें हम लोग माइक का, तो इस टाइप का कुछ आपको माइक देखने मिलता है। दोनों का साइज लगभग सेम ही मिलता है, थोड़ा सा ये छोटा मिल जाता है लैबराइडर का, नहीं छोटा नहीं है, सेम आपको मिल जाता है साइज देखने को दोनों का। एंड यहाँ पर दो मैग्नेटिक चार्जर है, सेम आपको मिल जाता है, ये बस यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ मैग्नेटिक चार्जर के साथ ही जो क्लिप है क्लिप भी सेम रहता है, कुछ क्लिप है यहाँ से जैसे आप इसको फंसा सकते हो। एंड ये भी सेम उसी टाइप का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर वायरलेस माइक लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर वायरलेस वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है। सामने सिर्फ आपको लैबराइडर कंपनी का ब्रांड देखने को मिल जाता है, जिस टाइप का इसमें ग्रेनारो का मिल जाता है। एंड इसमें भी आपको सेम उस टाइप का चार्जर देखने को मिल जाता है। ये किस लिए देता है, बाय चांस अगर आपका केस गुम हो जाए तो फिर आप डायरेक्ट माइक को भी चार्ज कर सकते हो। एंड और एक चीज में इसका चार्जर दिखा देता हूँ दोनों का, ये है मेरे ग्रेनारो का, इसमें 2 चार्जर दिया है। क्यों दिया है, ऑब्वियस सी बात है मेरे पास 2 माइक है, इसलिए एक एडेप्टर में ही 2 ईयर पर दे दिया, ताकि 2 माइक आसानी से आप चार्ज कर सकते हो। सेम यही चीज में अगर हम लोग इसका देखें तो इसमें जब सिंगल चैनल माइक है तो सिंगल इसमें दिया हुआ है, डुअल चैनल इसका परचेस करोगे तो इसमें भी आपको 2 यहाँ पर मिल जाएगा चार्ज करने के एक साथ, दोनों टाइप ए टू टाइप सी कनेक्टर आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये मिल जाता है आपको ग्रेनारो का एडेप्टर, जो कि डायरेक्ट मोबाइल पे लगता है। एंड ये मिल जाता है आपको लैबराइडर कंपनी का, बेटर है, मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी ब्रांड देखने को नहीं मिलता ग्रेनारो में, बट लैबराइडर में यहाँ पर ब्रांड देखने मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर सामने में आपको लाइट मिल जाता है, मतलब जो ब्लिंकिंग करता है, अगर पेयरिंग पर नहीं रहेगा तो ये ब्लिंक करेगा। इसमें लाइट आपको मिल जाता है एकदम इस साइड में, देखो ये दिख रहा है ना, ये आपको लाइट देखने को मिल जाता है। प्लस ये चार्जर का जो है ये नीचे दिया हुआ है, एंड यहाँ भी ये साइड में दिया हुआ है। ये क्या काम करता है, जैसे मान के चलो आपको मोबाइल चार्ज करना है लेकिन आपको माइक का भी जरूरत पड़ेगा, तो आपको क्या करना, माइक सिंपली डाल देना अपना स्मार्टफोन पे और साइड से अपना चार्जर है, चार्जर में डाल सकते हो। मतलब क्या होगा, अपना मोबाइल चार्ज भी होगा प्लस ये माइक भी काम करेगा, उसे दोनों में सेम आपको मिल जाता है। मतलब सोचो प्राइस का कितना डिफरेंस है, लेकिन सारे में परफॉर्मेंस वगैरह फंक्शन वगैरह सेम आपको मिल जाता है देखने को। सो अब आ जाते हैं हम लोग साउंड टेस्टिंग के ऊपर। ये जो पहला साउंड आप सुन पा रहे हो ये है ग्रेनारो का माइक मैंने लगाया हुआ, देख पा रहे हैं। एंड इस टाइप का कुछ आपको साउंड सुनने को मिल जाता है, दोनों का डिफरेंस आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब मैं स्विच करता हूँ ग्रेनारो से लैबराइडर वाला माइक में। अब मैंने लगा लिया लैबराइडर वाला माइक, एंड इसका आवाज आप सुन पा रहे हो। मैंने जानबूझकर रूम का फैन ऑन रखा था कि आपको इस फैन में भी आवाज का क्लियरिटी समझ में आए। अब दोनों का आवाज आपने सुन लिया, अब आप कंपैरिजन खुद कर सकते हो कि कौन सा आवाज आपको बेटर लग रहा है। एंड साथ ही इसमें आपको नॉइस कैंसलेशन देखने में जाता है, जैसे मैंने कि उस अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखाया था। सिंपल आपको एक सिंगल क्लिक करना है, अब जो आवाज सुन पा रही है नॉइस कैंसलेशन वाला आवाज, मतलब एक ही इसमें नॉइस कैंसलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है।
साथ ही इसमें इको वगैरह कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि ग्रेनारो में इको का इफेक्ट मिलता है। मैं थोड़ी देर आपको दिखाता हूँ, बाकी आप नीचे कमेंट करो ये नॉइस कैंसलेशन वाला आवाज में क्या कुछ डिफरेंसेस आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अब मैं वापस से आ गया हूं ग्रेनारो का माइक में एंड इसका नॉइस कैंसलेशन मैं शुरू करता हूं। इसमें दो लेवल का नॉइस कैंसलेशन देखने को मिलता है, एक बार सिंगल क्लिक करना है तो ये आ गया सिंपल सा जो मैं भी बात कर रहा था। अब ये आ गया पहला लेवल ऑफ नॉइस कैंसलेशन, इसका आवाज आपको पता चल रहा होगा। फिर मैं एरो क्लिक करता हूँ, ये आ गया सेकंड लेवल ऑफ नॉइस कैंसलेशन, इसमें भी आपका आवाज का कुछ डिफरेंसेस नजर आएगा। एंड ये आ गया थर्ड लेवल ऑफ नॉइस कैंसलेशन, इसमें आपका आवाज का कुछ डिफरेंसेस वगैरह नजर आएगा। ज्यादातर मैं इसको यूज नहीं करता हूं, मेरा सिंगल लेवल ऑफ नॉइस कैंसलेशन काफी बेटर रहता है, उससे ज्यादा मेरा जरूरत नहीं पड़ता। प्लस इसमें एक इको मोड दिया हुआ, इसको अगर रेगुलर 3 बार प्रेस करोगे तो अब आ गया इको इफेक्ट, मतलब इसमें आप कुछ भी बोलूंगा तो ये आवाज क्या होगा, पूरा इको तरह का आवाज आएगा। ये इफेक्ट आपको उसमें देखने को नहीं मिलता है। सो अभी मैं आ चुका हूँ बाहर, इसका कुछ बाहर का वीडियो एक्सपीरियंस वगैरह लेने के लिए, साउंड एक्सपीरियंस लेने के लिए। एक्चुअली यहाँ बगल में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, सामने रोड भी है जहाँ से गाड़ी आना जाना होते रहता है, तो इसमें आपको बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा क्या कैसे ये नॉइस कैंसलेशन वगैरह करता है। तो अभी मेरे पास ग्रेनारो वाला माइक लगा हुआ है, इससे आपका आवाज समझ में आ रहा होगा किस टाइप का आवाज है। एंड थोड़ी देर में स्विच करने वाला हूँ ये लेबराडोर वाला माइक में, तो अभी आप देखो इसका कैसा नॉइस कैंसलेशन वगैरह है। मैंने कोई भी नॉइस कैंसलेशन का लेवल अभी सेट नहीं किया, डायरेक्ट जिसको मैंने ऑन किया है ऑन करके डायरेक्ट आपके सामने जो भी बात कर रहा हूँ कर रहा हूँ मैं। साथ ही अभी हवा भी चलना शुरू हो गया, मौसम बहुत बढ़िया किया। चलिए अब मैं स्विच करता हूँ ये लेबराडोर वाला माइक। सो अब मैं स्विच कर चुका हूँ लेबराडोर का माइक में, एंड सेम लोकेशन में वही रखा हूँ, लोकेशन को चेंज नहीं किया हूँ। तो ये आवाज आप देखो किस टाइप का आवाज वगैरह फील हो रहा है। जैसे मैंने कही दिया आपको, सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सामने रोड है, गाड़ी वगैरह पार हो रहा है, लेकिन आवाज आपको पता चल रहा होगा। इसमें भी मैंने कोई भी नॉइस कैंसलेशन का लेवल ऑन नहीं किया, जो मैंने इसको डायरेक्ट माइक ऑन किया उसी से जो भी आवाज आपको मिल रहा वही आपको सुनाई मिल रहा है। तो क्या कैसा लग रहा आप नीचे कमेंट कर सकते हो, प्लस आप जान भी गए होंगे दोनों का क्या कंपेरिजन आपको देखने को मिल जाता है आवाज में। एंड साथ ही जैसे मैंने बताया था उसमें भी आपको 30 मीटर का रेंज मिलता है, इसमें भी आपको 30 मीटर का रेंज देखने मिल जाता है, जो कि प्रॉपर रेंज टेस्ट मैंने पिछले वाला वीडियो में करके रखा, जाके आप वहाँ पर चेकआउट कर लेना। एंड सामने तो कभी गाड़ी पार हो रहा है एंड यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपको, तो आवाज आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा किस टाइप का क्या आवाज को कैप्चर वगैरह कर रहा है। सो अब मैं क्या करता हूँ 30 मीटर पीछे जाता हूँ, उसके बाद ये आवाज देखता हूँ। ये मैंने अभी ग्रेनारो को माइक सेट करके रखा, जस्ट मैं पीछे आवाज आएगा, लेकिन सामने से जब बोलेगा तब उस टाइप का आवाज आपको सुनने को मीटर का रेंज। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पता नहीं आपका आवाज वगैरह क्या सुनाई मिल रहा है या फिर नहीं भी मिल रहा है, बाकी 30 मीटर का रेंज आपको देखने को मिल जाता है। एंड अब मैं यहाँ पर क्या होगा दोनों का आपको डिफरेंस वगैरह देखने मिल जाएगा। अब मैंने लगा लिया लेबराडोर वाला माइक जो यहाँ पर देख पा रहे 30 मीटर के रेंज में, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो जस्ट मैं पीछे घूम रहा हूँ एंड यहाँ कुछ पता चल गया था, इसमें क्या होगा जैसे आप पीछे घूम रहे हो ना आवाज थोड़ा आपको कटेगा। सेम इस टाइप का कुछ आपको रेंज वगैरह देखने को मिलता है, अगर आप डायरेक्ट फ्रंट टू फ्रंट बात करो तो बिल्कुल सुनाई मिल जाता है। एंड ये दोनों माइक में आपको कॉमन सा चीज मिल जाता है, जो कि इस माइक में आप ये लाइट देख पा रहे हो, एंड सेम लाइट आपको ग्रेनारो का माइक में साइड में देखने को मिल जाता है। तो ये लाइट क्या होता है ना, ब्लिंक होता है, जैसे मान के चलो आपने लगा के रखा अपना यूएसबी कनेक्टर में, ठीक है। एंड जैसे आप दूर जाओगे ना, जहां तक रेंज पकड़ेगा वहां तक तो लाइट बिल्कुल जलेगा, जैसे रेंज छोड़ेगा वैसे क्या होगा लाइट ब्लिंक करना चालू हो जाएगा, मतलब अगर रेंज छोड़ रहा है तो लाइट बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, फिर अगर जैसे सामने आओगे फिर लाइट ऑन हो जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको रेंज पे हो आप या फिर रेंज पे नहीं हो। तो दोनों में सेम फंक्शन देखने को आपको मिल जाता है, जो कि काफी ऑब्वियस सी बात है। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ग्रेनारो माइक में ये माइक में सेम चीज देखने मिलेगा, जो कि रेट का काफी ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, बार बार मैं चीज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ दोनों में सेम चीज आपको देखने को मिलता है। सो यही था इन दोनों माइक का कंपैरिजन। एक्चुअली प्राइस के हिसाब से देखा है तो बहुत प्राइस का डिफरेंस मिलता है, जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि क्या आप 2500 का इन्वेस्ट करोगे या फिर 800 का इन्वेस्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कम बजट में कोई माइक परचेज करना, वो भी वायरलेस माइक, तो इस माइक को आप परचेज कर सकते हो, सिंगल चैनल लेबराडोर का माइक, जो कि 800 का प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बोया का भी एक माइक आता है जो कि वायर्ड माइक आता है, उससे बेटर आपको ये मिल जाता है। इसका आउटपुट भी आपने देख ही लिया, काफी बेटर है। एक्चुअली देखा जाए तो इसका इससे कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया आपको कि क्या ये इसका टक्कर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से दे पा रहा है। थोड़ा बहुत आवाज में आपको अलग डिफरेंसेस मिलेगा, इसका आवाज क्या है ना थोड़ा उस टाइप का बेस वगैरह उस टाइप का ट्रेबल वगैरह आपको नहीं मिलता है आवाज में, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा आपको मिल जाता है, तो वो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस मिलेगा। लेकिन हाँ अगर आप शुरुआती दौर पर अगर आप अभी नया नया यूट्यूब चैनल खोले हो तो ये आपके लिए बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा, बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप नीचे कमेंट करो आपको दोनों में से कौन सा माइक बेटर लगा एंड क्यों बेटर लगा। बाकी ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, जो भी वायरलेस माइक वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो करने का सोच रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।